कितनी देर का इंतजार और कपाट खुलेंगे। और आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं चुनावी चौपाल की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा सीट जहां पर लगातार हमारी टीम पहुंच रही है। आपको बता दें, आज हम जिस लोकसभा सीट की बात करेंगे वहां कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अभी 40 सालों से हाथ को जीत का इंतजार है और इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन समाजवादी पार्टी टक्कर देती रही है। तो क्या 24 के महासंग्राम में जनादेश किसके पक्ष में होगा? और हम इस सीट की बात कर रहे हैं वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विकास तो दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं विकास दिखाई पड़ रहा है? विकास तो है, सरकार अच्छी है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधान मोदी होने चाहिए। चाइना 70 साल में उतनी पॉपुलेशन के साथ आज कहाँ पहुंच चुका है, और हम लोग जो है 70 साल कांग्रेस को देने के बाद आज भी हम लोग क्या मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा? जब से राहुल ने कमाल संभाली है अपनी कांग्रेस की, जब अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं बचा पा रहा है तो देश को क्या बचाएंगे वो? हरदोई लोकसभा सीट राजधानी लखनऊ के करीब होने के नाते सियासी मैदान में सीट की खास जगह है। गंगा जमुनी तहजीब वाली हरदोई लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का खूब डंका बजा तो कभी साइकिल भी चली, हाथ ही दौड़ा, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच पाया। और अब तो कमल ही खिल रहा है, यानी सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी फिर से यहां पर अपनी वापसी करना चाहती है, लेकिन जनता क्या चाहती है यही जानने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रिपब्लिक भारत की टीम लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर क्या है आम जनता का मिजाज जानने के लिए पहुंची है, और हरदोई लोकसभा सीट जो अपने आप में बेहद खास है उसका मिजाज जानने के लिए हम पहुंचे हैं। और इस चुनावी चौपाल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे यहां के मुद्दे क्या है, यहां की जनता आखिर किसके बारे में जो है सबसे ज्यादा सोच रही है इस बार, कौन से वो मुद्दे जो है वो हरदोई की जनता के यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या क्या नाम भाई साहब? संजय गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, क्या माहौल है हरदोई का? ठीक है, खराब क्या, अच्छा है। सबसे अच्छी बात वोट डाले। काम वाम हुआ है कुछ हरदोई में? अब विकास तो दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं विकास दिखाई पड़ रहा है? विकास तो है। हम जैसे सबसे बात कर रहे हैं क्योंकि मिली जुली एक प्रतिक्रिया आ रही है कि दिखे ही नहीं, सांसद साहब कुछ कह रहे हैं। अब देखिए, विकास तो है, विकास है क्यों नहीं है? अगर है नहीं तो फिर टिके क्यों है? ये भी तो बात है ना, टिके क्यों है? बदला है हरदोई में? बिल्कुल है, 100% बदलाव है। क्या बदलाव? अरे डेवलपमेंट है, विकास है, और क्या चाहिए? महंगाई बेरोजगारी का जो मसला है वो है हरदोई के अंदर, क्योंकि अगर मैं हरदोई की वोटिंग जो लोग करने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा युवा रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये मसला? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। युवा जो है आगे बढ़ चढ़ का हिस्सा भी ले रहे हैं और जागरूकता भी है, और उनको बड़ा उत्साह है कि हम वोट करें। नया जब वोट बना है तो युवा क्यों नहीं करेगा भाई? उसका रुझान किस तरफ नजर आता? अब रुझान तो, अब देखिए ये तो दिखाई पड़ रहा है हमारे समाज में है, हमारे देश में दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो जो पढ़ी लिखी जो जनता है वो तो चाहेगी कि हाँ कि सरकार अच्छी बने, देश का विकास हो। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि कई चीजों की बात हो रही है, क्योंकि बड़ी बात ये है सोशल मीडिया पर कुछ चीजें फेक भी चल रही है। महंगाई तो महंगाई क्यों ना बढ़े? देखा जाए अभी ट्रेन पर महंगाई नहीं बढ़ी हुई है, किराया तो वही है, कोरोना काल से लेकर देखा जाए तो कहीं नहीं पैसा बढ़ाया गया, वही चल रहा है। ठीक है, तो ये तो है कि महंगाई तो बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो महंगाई तो निश्चित। आधी आबादी का हिस्सा है आप, और बड़ी सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व अगर किसी का है पुरुषों के बाद, जो अब तो कंधे से कंधा मिलाकर बात हो रही है। क्या नाम है आपका? आरती मिश्रा। आरती मिश्रा जी यही रहती है? जी, क्या करती है? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। अरे सबसे बड़ा काम करती हैं आप, घर को संभालना, देश संभालना, ये सबसे बड़े काम है जो एक महिला कर सकती है। अच्छा मैम, क्या माहौल है हरदोई का, कैसा चल रहा है सब, घर का खर्च कैसा चल रहा है, किचन का खर्चा कैसा चल? नॉर्मली चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, अब ये है कि जॉब बेरोजगारी तो है ही, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता है ना, वो तो है ही। आप नौकरियां खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीजें है। मोस्टली ज्यादा लोग बेरोजगारी होते जा रहे हैं। ये सारा काम पसंद है या नहीं है? नहीं, सरकार का काम पसंद है, लेकिन जॉब के प्रति जो है वो कम होता है, कमियां हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा का दौरा। महाराष्ट्र और तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जनसभा, तो भुवनेश्वर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेगा रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह का झारखंड और बंगाल दौरा। झारखंड में एक जनसभा तो बंगाल में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे शाह। जनता के सामने रखेंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा और चंडीगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा। पंचकुला के सेक्टर 7 में नड्डा करेंगे रोड शो शाम करीब 5 बजे। चंडीगढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अपना फैसला सुनाएगा। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत मामले में दाखिल किया हलफनामा। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा, चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार है। किसी भी राजनेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुमत का दावा किया। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि राज्य में नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। साथ ही विधायकों के परेड कराने की भी बात कही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के अल्पमत में आने की बात को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और हमारे साथ जनता का विश्वास है। आज जेजेपी और कांग्रेस के विधायक हरियाणा के गवर्नर से मिलने जा सकते हैं। आज दोनों ने ही बीजेपी सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन को पत्र लिख करके राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट के 4 बूथों पर आज फिर होगी वोटिंग। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। ईवीएम मशीनों में नुकसान की वजह से चुनाव आयोग ने दिया आदेश। बिहार के 2 मतदान केंद्रों पर भी आज होना है पुनर्मतदान। बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग। ईवीएम में तोड़फोड़ की वजह से दिया गया आदेश। नमस्कार, मैं अर्णब गोस्वामी, मैं इस वक्त साथ लोक कल्याण मार्ग। सबसे एंटिसिपेटेड इंटरव्यू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और सभी उन विषयों पर जो केंद्र बिंदु बन चुकी है इस चुनाव के।